नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल इंग्लिश सीखो विद अभय सर में स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं जैसे माता की हत्या, पिता की हत्या, बहन की हत्या, भाई की हत्या, पत्नी की हत्या, पिता की हत्या, पति की हत्या, राजा की हत्या, शिशु की हत्या। इस प्रकार के सेंटेंस को बोलने के लिए हमें इंग्लिश में एक वर्ड के द्वारा किसे कैसे बोला जाता है उसी को हम लोग सीखने वाले हैं। अगर आप लोग जानते हैं तो आप लोग अच्छी बात है, अगर नहीं पता है तो आप लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। और एक बात, अगर आप लोग कोई गवर्नमेंट जॉब के लिए एग्ज़ाम देते हैं तो आप लोगों को ऐसे वर्ड देखने के लिए अक्सर मिलते होंगे जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट साबित होने वाले हैं। तो चलिए चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग जैसे कि आप लोग देखेंगे कि इन सारे वर्ड्स के लास्ट में साइड वर्ड दिया हुआ है जो कि रूट वर्ड है। तो साइड का मतलब क्या होता है? साइड का मतलब होता है किलिंग। किलिंग मतलब होता है मर्डर, मतलब मारना। आज का हमारा पहला वर्ड दिया हुआ है सुसाइड। सुसाइड जैसे सुसाइड बोला जाता है, सुसाइड का मतलब होता है किलिंग ऑफ वन सेल्फ। किलिंग ऑफ वन सेल्फ इसका मतलब होता है खुद को मारना या खुदकुशी करना। नेक्स्ट वर्ड हमारा है फ्रैट्रिसाइड। फ्रैट्रिसाइड का मतलब होता है किलिंग ऑफ ब्रदर। किलिंग ऑफ ब्रदर मतलब भाई की हत्या। भाई की हत्या को बोला जाता है फ्रैट्रिसाइड। नेक्स्ट वर्ड हमारा है सोरोरिसाइड। सोरोरिसाइड का मतलब होता है किलिंग ऑफ सिस्टर। किलिंग ऑफ सिस्टर का मतलब होता है बहन की हत्या। बहन की हत्या को बोला जाता है सोरोरिसाइड। नेक्स्ट वर्ड हमारा है मैट्रिसाइड। मैट्रिसाइड का मतलब होता है किलिंग ऑफ मदर। किलिंग ऑफ मदर, किलिंग ऑफ मदर का मतलब होता है माता की हत्या। नेक्स्ट वर्ड हमारा है पैट्रिसाइड। पैट्रिसाइड का मतलब होता है किलिंग ऑफ फादर। किलिंग ऑफ फादर, पिता की हत्या को बोला जाता है पैट्रिसाइड। पैट्रिसाइड। नेक्स्ट वर्ड हमारा है ऑक्सोरिसाइड। ऑक्सोरिसाइड का मतलब होता है किलिंग ऑफ वंस वाइफ। किलिंग ऑफ वंस वाइफ इसका मतलब होता है पत्नी की हत्या करना, पत्नी की हत्या। नेक्स्ट वर्ड हमारा है मैरिटिसाइड। मैरिटिसाइड का मतलब होता है किलिंग ऑफ वंस हस्बैंड, मतलब किलिंग ऑफ हस्बैंड, पति की हत्या करना को बोला जाता है मैरिटिसाइड। नेक्स्ट वर्ड हमारा है इन्फेंटिसाइड। इन्फेंटिसाइड का मतलब होता है किलिंग ऑफ इन्फेंट, मतलब इन्फेंट का मतलब होता है शिशु। शिशु की हत्या को बोला जाता है इन्फेंटिसाइड। नेक्स्ट वर्ड हमारा दिया है होमिसाइड। होमिसाइड का मतलब होता है किलिंग ऑफ अ पर्सन बाई अनदर, मतलब एक पर्सन की हत्या दूसरे पर्सन के द्वारा, उसको बोला जाता है होमिसाइड। नेक्स्ट वर्ड हमारा है रेजिसाइड। रेजिसाइड का मतलब होता है किलिंग ऑफ किंग। किलिंग ऑफ किंग इसका मतलब होता है राजा की हत्या। राजा की हत्या करने को बोला जाता है रेजिसाइड। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये वर्ड्स सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अगर आप लोगों ने ये सारे वर्ड्स को याद कर लिया तो आपके एग्ज़ाम में बहुत ही यूजफुल हो, मतलब आपके एग्ज़ाम में बहुत ही मदद मिलने वाली है। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नए टॉपिक सर। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नए टॉपिक साथ। तब तक वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।